एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगे। आज है मंडे और आज ध्रुव और अरुण जाने वाले हैं दीदी के घर दीदी को लाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना शादी के बाद जो भी सावन होता है ना पहला, उसमें लड़की अपने मायके आती ही है और लड़की को लेने जाते हैं उनके भाई। तो आज ध्रुव और अरुण जाने वाले हैं दीदी के घर, और ये जो मेरा आज व्लॉग है ना, लगभग एक हफ्ते बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में ही आपको बार बता देती हूँ। आज है मंडे और तारीख है 24, यानी कि आज 24 तारीख हो चुकी है और मंडे है। ध्रुव और अरुण जाने वाले हैं दीदी के घर। जो आज का ये मेरा ब्लॉग होगा ना, वो होगा दीदी के घर का। अगर आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दीदी के घर का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ ध्रुव को रेडी करने के लिए। ध्रुव को रेडी करके फिर मैं भेजूँगी दीदी के घर, और आगे का ब्लॉग आप लोग देखोगे ही। तो अभी के लिए मैं ध्रुव को कर देती हूँ रेडी, फिर आप लोगों से फ्री होकर मिलूँगी। ध्रुव को कर दिया था मैंने रेडी और ध्रुव निकल चुका है दीदी के घर के लिए। ध्रुव और अरुण ने की थी अपने लिए ओला कैब बुक, तो उनकी जो कैब है वो आ चुकी है और यहाँ पर ध्रुव है ना वो बैठ भी चुका है कैब में। और आज ना ध्रुव का मन था काजल लगाने का, तो मैंने उसको काजल लगाया और वो थोड़ा ना आज अलग अलग सा दिख रहा है, क्योंकि बच्चों को ना अगर हम काफ़ी टाइम में काजल लगाते हैं तो बच्चा थोड़ा अलग सा नज़र आता ही है। और यहाँ पर ध्रुव बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो जा रहे हैं अपनी बुआ के घर, और यहाँ पर थोड़ा सा उसने रास्ते में बहुत मस्ती की, वो भी अरुण ने आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो दीदी का जो घर है ना वो हमारे घर के थोड़ा पास ही है, लगभग 10 से 15 मिनट में हम दीदी के घर पहुंच जाते हैं। तो ध्रुव इसलिए जल्दी से जल्दी दीदी के घर जाने की जिद करता ही है क्योंकि उसकी बुआ का घर है पास ही में। तो यहाँ पर ध्रुव पहुंच चुका है दीदी के घर, और ध्रुव को बड़ी जल्दी होती है अपनी बुआ के घर जाने की, तो यहाँ पर ध्रुव पहुँच भी चुका है। ध्रुव और अरुण दीदी के घर पहुँचे। उनके पहुँचने से पहले ही दीदी ने ना ध्रुव के लिए कैंडी मंगा कर रखी थी, क्योंकि ध्रुव को ना कैंडी बहुत पसंद है इसीलिए। और फिर दीदी ने बना दिए थे ध्रुव के लिए फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि ध्रुव को फ्रेंच फ्राइज़ भी पसंद है। और यहाँ पर ध्रुव ने फ्रेंच फ्राइज़ खाए, और उसके बाद थोड़ा ध्रुव ने किया था डांस, क्योंकि ध्रुव को ना दीदी के घर जाकर ना अलग अलग मस्ती आती ही है, उसको नई नई चीज़ें करनी ही होती है अपनी बुआ के घर पहुँच कर। और यहाँ पर हो गया था ध्रुव गुस्सा, क्योंकि ध्रुव को ना दीदी के घर के बाहर जो गार्डन है उसमें डालना था पौधों में पानी, लेकिन दीदी उसको थोड़ी देर मना कर रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ध्रुव है ना वो मान ही नहीं रहा था, उसको ना बस पौधों में पानी ही डालना था। तो यहाँ पर ध्रुव की जो जिद थी वो दीदी को पूरी करनी पड़ी, और यहाँ पर ध्रुव देने लगा है पौधों को पानी। और अब यहाँ पर ना दीदी अरुण और ध्रुव निकल रहे थे घर के लिए, लेकिन ना ध्रुव का बिल्कुल भी मन नहीं था वापस से घर आने का, क्योंकि ध्रुव को ना दीदी के घर के बाहर जो इतनी खुली खुली सी जगह है ना वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से ना ध्रुव वापस से घर आने के टाइम बहुत ही उदास हो जाता है, और वो घर आने का बिल्कुल भी उसका मन नहीं होता, लेकिन उसको ज़बरदस्ती घर लाना ही पड़ता है। और आज तो दीदी उसके संग आ रही थी, तो उसने थोड़ा नाटक किया और फिर वो घर आने के लिए तैयार हो भी गया। और यहाँ पर दीदी ध्रुव और अरुण निकल चुके हैं घर के लिए। लेके आ तो गया, गंदी बात खल की कहा खाई थे भूई के घर बताओ तू नहीं बताओ
होगा। तो फाइनली दीदी आ चुकी है घर, आपने आज के ब्लॉग में देखा ही, ध्रुव और अरुण गए थे दीदी को घर लाने के लिए, जैसा कि मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया ही था। हमारे यहाँ पर जब बेटी की शादी होती है ना, शादी के बाद जो पहला सावन पड़ता है तो उसमें बेटी आती ही है अपने मायके रुकने के लिए। तो दीदी की शादी के बाद भी ये पहला सावन है तो दीदी भी आई हैं, देखते हैं दीदी कितने टाइम तक रुक पाती हैं घर। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे दीदी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रुक पाए। तो अभी फ़िलहाल दीदी आज घर आई हैं, आप लोगों ने पूरे ब्लॉग में देखा ही, और ध्रुव गया था दीदी को लेने के लिए, ध्रुव बहुत खुश था। ध्रुव ना दीदी के घर जब भी जाता है ना बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करता है, क्योंकि दीदी के घर के आसपास बहुत ही खुली सी जगह है, मतलब खुला खुला सा आंगन है। तो बच्चों को होता ही है जहाँ पर इतनी सारी हरियाली दिखती है और इतना खुला सा वो दिखता है ना जगह, तो बच्चे खुश हो ही जाते हैं। तो ध्रुव को दीदी के घर जाकर बहुत अच्छा लगता है और वो वहाँ से ना आने का भी नाम नहीं लेता, उसको कितनी भी कोशिश कर लो। आज तो वो लगता है मुझे 3 से 4 घंटे वहाँ पर रुका था आराम से, और फिर ध्रुव अरुण और दीदी आ गए थे घर, और फिर गया था ध्रुव अपनी क्लास, और क्लास से आने के बाद ध्रुव अब दीदी के पास, क्योंकि जब तक दीदी घर पर है ना तब तक वो जल्दी से मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको ना अपनी बुआ से बहुत ज़्यादा ही लगाव है। तो दीदी की शादी के बाद दीदी जब भी घर रुकने आती है ना तो मेरे पास बहुत थोड़ी ही देर के लिए आता है, बाकी वो दीदी के पास ही रहता है। तो अभी ऐसा ही फिलहाल वो ध्रुव इस टाइम भी दीदी के पास ही है। तो चलिए आज का ब्लॉग है ना वो मैं कर दूंगी यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मेरा भूले, जिससे कि मेरे आगे आने वाले ब्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।